हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हियर आई एम रिया ठाकुर। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो गाइस, एज यूजुअल हियर आई एम डूइंग डेली व्लॉग्स। आई नो रोज़ आप लोगों को ऐसे मुझे पानी पीते हुए देखना पड़ता है, बट क्या कर सकते हैं गाइस, आफ्टर ऑल इट्स अ डेली रिचुअल और आप लोगों को डेली व्लॉग देखना है। सो हियर आई एम ड्रिंकिंग माई पानी। एंड देन फिर दो दिन से मैंने नारियल पानी नहीं पिया था, तो ये नारियल पानी ना इसे ऊपर से ऐसा ऐसा हो गया था कुछ, तो पता नहीं, आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको। तो फिर मैंने जैसे जैसे खोला एंड आई सॉ कि पानी तो है अच्छा खासा, हाफ ग्लास जितना था, मतलब डेली जो लोग देखते हैं उनको पता होता है कि कैसे दो ग्लास पानी भर जाता है। बट देन फिर देखा तो थोड़ा सा ही पानी निकला, एंड देन आई वाज लाइक चल ठीक है कोई ना। फिर मैं देख रही थी कि अंदर मलाई है, और मलाई था पता है बहुत अच्छा खासा, बट वो खट्टा हो चुका था, तो फिर मैंने वो फेंक दिया। एंड देन मैंने पानी टेस्ट किया तो पानी वॉज डिसेंट, तो आई वॉज लाइक चलो ख़त्म कर सकते हैं। तो मैंने जैसे तैसे पी लिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी शक्ल। एंड देन तो मैंने जैसे तैसे पानी पी लिया कि आई वॉज लाइक ठीक है, आप पी लेते अच्छा ही होगा जो भी होगा। एंड देन ठीक ठाक था, ऐसा भी नहीं कि बुरा था, तो आई वॉज इन्जॉइंग माई वाटर। सो गाइस, आगे बहुत अच्छा कुछ रिवील होने वाला है, सीक्रेट जाके देखना ज़रूर। काफ़ी अच्छा टूर भी दिया है मैंने फ़िलहाल के लिए, तो काफ़ी अच्छा ही था। तो यार आई एम इन्जॉइंग माई, तो यहाँ मैं अपना नारियल पानी पी रही हूँ और काफ़ी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले गाइस, आगे वेट करो बस। तो हियर आई एम ख़त्म करिंग माय नारियल पानी। एंड देन ब्रेकफास्ट कुछ बनने नहीं वाला था क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था, तो मम्मा ने बोला चाय ही बना दो, तो मैं काफ़ी टाइम बाद चाय बना रही थी। यहाँ मैं अदरक कोटी गाइस, गाइस मेरे को कुछ बताना है, सबको अर्चना पता होगा राइट, बिग बॉस की, तो उसने बोला था कि जितना अदरक अच्छे से कूटोगे उतनी अच्छी चाय में फ्लेवर आएगी। एंड लिटरली वो होता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं ना पहले जब चाय में अदरक डालती थी ना, ऐसे डाल देती थी मतलब नॉर्मल सा कूट के, बट देन मैं जब से अच्छे से कूटने लगी ना, लिटरली चाय में इतना सही फ्लेवर आता है ना, तो बस ये मुझे बताना, तो ट्राई ज़रूर करना। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, क्योंकि ब्रेकफास्ट में कुछ था नहीं, ब्रेकफास्ट क्योंकि हमें बाहर जाना था, तो जल्दी जल्दी हमने चाय बना। और पियो सो रही थी, तो फिर मैंने मम्मा ने और दिया ने ही चाय पीना, एज़ आप सबको पता है कि पापा है नहीं, पापा आउट ऑफ स्टेट है। तो यहाँ हमने मस्त सा चाय पिया, चाय इज़ एवरीथिंग भाई। एंड देन मेरे पास कोई शूट करने के लिए था नहीं, तो मैंने डब्बे के ऊपर रख दिया था फ़ोन, बिकॉज शूट करने के लिए कोई था नहीं। और हम लोग मोस्टली गुड़ वाली चाय पीते हैं, शुगर फ्री या फिर गुड़ ही पीते हैं, चीनी हम लोग अवॉइड ही करते हैं, चीनी यस शुगर तो हम लोग वो अवॉइड ही करते हैं। तो यहाँ पे हमने गुड़ वाली चाय पी थी, मैं गुड़ को पिघलाने की कोशिश करी थी क्योंकि साले पिघलते ही नहीं हैं, बट ठीक है। एंड देन फिर मैं फ्रेश होने गई आफ्टर चाय पीने के बाद, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो था नहीं। एंड देन नहाते नहाते चाय पीने के बाद मुझे पता चला कि हमें बाहर जाना है, तो आई वॉज़ लाइक कि ठीक है पहले मैं घर का पूजा कर देती हूँ एंड देन फिर हम बाहर जाएंगे, क्योंकि दशहरा है आज ऑलरेडी। सो हैप्पी दशहरा टू एवरी वन एंड शुभ विजया टू एवरी वन टू। सो यस, मैं घर पे दरवाजे के बाहर हार लगा रही थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड देन फिर मैंने हार लगाया। वी ऑर्डर दिस फॉर भगवान जी, ये तो घर के लिए, सो लेट्स डू दिस। जैसे मुझे पता चला तो आई वॉज लाइक कि जल्दी जल्दी ख़त्म करके रेडी होना है, और रेडी होने में जो मज़ा आया ना आई स्वेयर। तो यहाँ मैं फटाफट भगवान को रसगुल्ला, रसगुल्ला दे रही थी, हमने इंस्टामार्ट से मंगवा लिया था, बिकॉज नीचे कोई जाने के लिए रेडी होता नहीं, तो फिर हमने इंस्टामार्ट से मंगवा लिया था। मैं यहाँ पे कुछ तो बोल रही थी, हाँ मैं बोल रही थी रसगुल्ला बोलते, पीहू रसगुल्ला रसगुल्ला कर रही थी। तो एंड यहाँ मैं फटाक से पूजा कर रही थी, ये फास्ट मोशन में, वैसे तो आराम से ही कर रही थी, इतनी भी कोई गाय नहीं थी, तो आई वॉज डूइंग पूजा जैसे कि बोलते। एक्चुअली मॉर्निंग में कोई प्लान नहीं था, तो मम्मा को बोला था कि आज आफ्टरनून में हम पाव भाजी खाएंगे, तो मम्मा ने बोला था ओके मैं बना दूंगी, बट फिर सडन पता चला कि बाहर जाना, तो फटफट फटफट बनाया मम्मा ने, 12:30 बजे हमने लंच किया। सो गाइस, नाउ वी आर गोइंग आउट एंड लेट्स गेट रेडी, आई एम सो कंफ्यूज व्हाट टू वेयर बिकॉज आज है दशहरा। सो गाइस यस, शुभ विजया एंड हैप्पी दशहरा टू एवरीवन, से हैप्पी दशहरा। सो या लेट्स गेट रेडी एंड आई एम कंफ्यूज व्हाट टू वेयर, इंडियन और वेस्टर्न, बट मोस्टली आई विल वेयर वेस्टर्न ओनली, बट लेट्स सी। एंड देन जैसे आप सबको पता था, ये वाइट ड्रेस मैंने लिया था परसों इस वीडियो से, तो मैंने पहना, बहुत क्यूट था और थोड़ा इंडियन टच भी था, तो अच्छा लग रहा था। एंड देन मैं और पी उतर रहे थे नीचे, बाकी सब पीछे आ रहे थे, हम लोग लाइक हम नीचे चलते हैं वेट करते, क्योंकि सब एक साथ उतरते तो हल्ला गुल्ला करके उतरते, एंड मैं और पी फिर भी वेट करते नाचते ना। एंड जहाँ हम जा रहे थे तो ऑफकोर्स मतलब मेरे चेहरे पर खुशी देख सकते हो, बिकॉज हम काफ़ी अच्छे जगह जा रहे थे, अच्छी जगह मतलब आपको आगे पता चलेगा कि हम कहाँ जगह है, क्या किया हमने। तो यहाँ पे फिर मैं और पीओ को कुछ तो बता रही थी शायद, या आंटी को कुछ तो बता रही थी, तो इसलिए मेरा मुंह चपड़ चपड़, और मेरा मुंह कभी बंद नहीं रहता, एक्सेप्ट एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता इंसान।
एंड देन हम लोकेशन पे पहुंचने वाले थे, बट काफ़ी अच्छा व्यू था तो सोचा आप लोगों को भी दिखा दूँ। पूरा ग्रीनरी था, बहुत अच्छी वाइब थी, तो आई थॉट कि आप लोग भी देख लो। पहाड़ एंड ऑल बहुत सुंदर लग रहा था, लिटरली देख सकते हो आप लोग। कमेंट में ज़रूर बताना लेकिन आप लोगों को कैसा लगा। हम जहाँ जा रहे थे वहाँ हमें केक की भी नीड थी, तो हमने एक बहुत सुंदर सा क्यूट सा केक लिया, वो आपको आगे पता चलेगा हमने क्यों लिया था केक। एंड देन हम केक लेके बाहर निकल रहे थे तो सामने दिया वेट कर रही थी। गाइज ये दिया नहीं है, ओके, दिया आगे वेट कर रही थी। तो गाइज वो शुभ घड़ी आ चुकी है कि ये आप लोगों को बता दे कि हमने न्यू फ्लैट लिया है और ये सोसाइटी है प्रॉपर, बहुत बड़ी सोसाइटी है, तो फिर हमें अपना घर ढूंढने में टाइम चला जाता है। बट मुझे ये बोलना था कि वी गॉट अ होम, वी गॉट अ न्यू होम, आप लोगों को पता चलेगा, मैं आगे टूर भी दूंगी तो मुझे बताना। ये सोसाइटी काफ़ी बड़ी सोसाइटी है, तो दिया को बोला था हमने शूट करने, तो यहाँ वो हमारे पीछे से शूट ले रही थी, वो भी आपको आगे दिखेगी हर वीडियो में, हर काफ़ी चीज़ों में। काफ़ी लोग बोलते हैं दिया ब्लॉग में नहीं आती, वो वैसी है, उसको नहीं आना पसंद कैमरे पर ज़्यादा। बट या ये है हमारा बड़ा सा सोसाइटी, ये सारी मतलब हमें ढूंढने में मिल जाता, हमें ढूंढने में कन्फ्यूज होता, अरे भाई कौन से विंग में जाना है हमें, एंड हियर मी एंड पी यू गोइंग फॉरवर्ड, ढूंढते ढूंढते पर याद रहता है, बट कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। एंड देन फिर हम लिफ्ट में आए, जैसे कि भी देख सकते हो आप सब लोग, एंड ये पीहू की मस्ती चालू कि हर बटन दबाने लग जाती है लड़की ना, लिफ्ट देखते इसको कुछ हो जाता है लिटरली, उसको नहीं हम सबको होने लगता है। बट येस हियर वी आर इन द लिफ्ट, मैं मम्मा दिया पीहू आंटी। एंड देन फिर लिफ्ट से निकल के कुछ दूर चलते ही घर के दरवाजे तक पहुँच के घर पर एंट्री करके पता चलता है कि लाइट्स ऑन नहीं है। एंड देन फिर हमने सोचा कि अब चलते हैं नीचे लाइट्स ऑन करने, फिर मैंने दिया को बोला चल नीचे लेट्स गो, फिर नीचे जाके दिया को बोला कि चलते हैं, और हम वॉचमैन अंकल को बुलाया, अंकल को बोला अंकल हमारे घर की लाइट नहीं है वो चालू कर दीजिए, तो उनको ढूंढ के मिल रहा नहीं था, तो फिर मैंने देखा इधर उधर, फिर पता चला कि कहाँ है मेरा। एंड देन मैंने मेरा स्विच ऑन किया बिकॉज उनको पता नहीं चल रहा था, तो फिर उन्होंने बोला आप ही कर लो। एंड मैं पहली बार ऐसे मीटर रूम के अंदर गई थी किसी वजह से, तो मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ मैं हमेशा जाती हूँ, बट ये कुछ यूनिक था, काफ़ी बड़ा और अलग था, तो फिर मैंने जाके चालू किया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं चालू करके निकल रही थी। एंड देन फिर हम वापस ऊपर जाते हैं, यहाँ पे मेरी शक्ल देख के जज मत करना प्लीज़। तो यहाँ हम बस दशहरे की पूजा करने गए थे कि कोई ग्रैंड हमने अभी तक पूजा किया नहीं है, वो पूजा दिवाली में होगी ग्रैंड पूजा, तो बेसिकली हम लोग नॉर्मल पूजा के लिए गए थे क्योंकि वैसे भी मेरे पापा आउट ऑफ स्टेट है, तो फिर हमने अभी तक कुछ ऐसा ग्रैंड किया नहीं है और करेंगे पर बाद में बस। सो यहाँ हम लोग ऐसे नॉर्मली दशहरा पूजा कर मतलब घर पे पूजा करने गए थे बेसिकली नॉर्मल सा, तो यहाँ मम्मा और दिया और मैं वही कर रहे थे और पीओ ब्लॉग शूट कर रही थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड देन फिर हमने सब हार वार लगाया, नेबर आंटी ने भी हमारी हेल्प की चेयर वेयर दे के। सो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे जैसे कि आप लोग देख सकते हो, दिया को ऊपर चेयर पर चढ़ा दिया था कि तुम लगा दो ऊपर, फिर देन हमने वो ख़त्म किया वो काम जैसे कि आप लोग देख सकते हो, लाइक सुबह हमने अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ किया। एंड देन फिर सोचा कि नेक्स्ट जाके वहाँ भी कर देते बिकॉज अभी न्यू सा है, तो फिर यू नो पूजा इज़ सो मैंडेटरी और आज का दिन भी काफ़ी अच्छा है, तो फिर हमने सोचा जाके कर देते हैं। तो फिर हमने यहाँ पूजा की, मतलब नॉर्मल सा ही पूजा किया, कुछ ग्रैंड हुआ नहीं, बट जैसा भी था काफ़ी अच्छा दिन था हमारा। आगे तक वेट करो गाइस, काफ़ी अच्छा रूम टूर भी लिया है मैंने आप लोगों को, मज़ा आएगा। होम टूर, रूम टूर नहीं सॉरी। एंड यस यहाँ पे दिया स्टिक करते हुए क्योंकि कुछ अभी तक लाइक यू नो खिल क्या बोलते उसका दोनों खिला विला लगे हुए नहीं थे, तो फिर नेल्स वगैरह लगे नहीं थे, तो फिर हमने सेलो टेप से ही स्टिक किया सारा बिकॉज एमरजेंसी और नॉर्मल टाइम पे कोई था नहीं, तो फिर हमने जैसे तैसे करके स्टिक किया बिकॉज फिर दिया को बताया कि मम्मी बता बता के दे रही थी कि ऐसा ऐसा लगाओ क्योंकि ऊपर लगाना था, तो दिया को हमने चढ़ाया था, तो फिर उसको वही बता रहे थे एंड उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा था, तो मम्मी उसको चिल्ला रही थी बड़ा अच्छा लग रहा था, तो मैं उसको बता रही थी पागल लड़की ऐसा मत कर, फिर वो उतरने वाली थी मतलब पागल लगा ले तूने ऑलरेडी एक लगा दिया है, तो मैं उसको वही बता रही थी कि तू ही ख़त्म कर जो तूने लगाया है। एंड देन फिर बाकी सारे नीचे के मैंने लगाए क्योंकि एज़ यूजुअल शी इज़ डम लिटरली, तो फिर उसने लगाया जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड देन फिर मैंने बोला तुम उतर जाओ बेटा अब तुमसे ना हो पाएगा, एंड देन फिर उसने ऊपर का काम ख़त्म किया, एंड देन फिर वो नीचे उसको मैं बता बता के दे रही थी कि ऐसे सर, मम्मा भी चिल्ला चिल्ला के बोलती बेटा ऐसे लगाओ ऐसे लगाओ, एंड देन फिर वो उतरी नीचे। एंड देन फिर मैं दिया को बता रही थी बेटा आई विल ड्रॉ दिस नाउ गिव मी दैट ऑनर्स, एंड देन फिर यहाँ मैंने स्वस्तिक बनाया जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मम्मा मुझे बता बता के दे रही थी कि ऐसा ऐसा करो, तो हम लोग वही कर रहे थे, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज मेरे से चेयर हिल गया। एंड देन फिर यहाँ पे मैं स्वस्तिक बना रही थी, एंड फिर हमने काफ़ी अच्छा सा स्वस्तिक बना, एंड लिटरली ये वाइब काफ़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा होता है आपके आसपास तो काफ़ी अच्छा फील होता है राइट। एंड देन फिर मम्मा और दिया बाहर फ्लावर से रंगोलियाँ बना रहे थे जैसे कि आप लोग देख सकते हो,
काफ़ी अच्छा स्पेस भी है बाहर, तो फिर अच्छा था, मतलब वाइब भी अच्छा है, विंडोज से अच्छी व्यू भी दिखती है, और क्या ही चाहिए भाई लाइफ में, परफेक्ट चीज़ थी। एंड देन फिर बाहर सब रंगोली बना रहा था और मैं खड़े खड़े देख रही थी कि लोग कर क्या रहे हैं, बिकॉज मेरे सर के ऊपर से जा रहा था। बट फिर सोचा कि ये टेम्प्रेरी है तो कर लो तुम लोग ही, जब परमानेंट होगा वो तो हमने ही करना है। एंड देन यहाँ पे मम्मा और वो अच्छे से डेकोरेट कर रहे थे, ऐसा भी नहीं था कि एक बुरा किया था, काफ़ी सुंदर बना, तो पी उनको गाइड कर रही थी कि ऐसा ऐसा करो। फिर देन हमने पूरा ख़त्म किया जैसे कि आप देख सकते हो। एंड देन ये पसारा देख लो गाइस, ये फिर पीयू, दिया ने शायद रोज़ मांगा था, उस पर कुछ डेकोरेट करना था, तो पीयू ने उसको रोज़ दिया और मुझे बोल रही थी खोल दो प्लीज़, तो यह हम लोग वही कर रहे थे। एंड देन फिर रंगोली बनने के बाद मम्मा ने बताया कि किचन में टीका लगाओ, दरवाज़ों पे लगाओ, फिर हमने वही किया। सबसे पहले हमने किचन में लगाया, फिर मम्मा को मैं पूछ रही थी कि क्या क्या करना है, तो क्योंकि मम्मा वॉज गाइडिंग अस, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं है ये सब के बारे में। एंड देन फिर हमने पहले बेडरूम में लगाया, एंड पता नहीं था बट जैसे तैसे कर दिया, जब प्रॉपर पूजा होगी तब हम अच्छे से करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग वही कर रहे थे। एंड देन फिर मैं सारे बेडरूम्स के डोर पे ये लगा रही थी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, और मम्मा बस प्रॉपरली गाइडिंग में। एंड देन कहा जहाँ जहाँ प्रॉब्लम रहा था वहाँ वहाँ डांट भी पड़ रही थी, ऐसा नहीं कि हम प्रो है हर चीज़ में, मम्मा बोलती है ऐसे कौन करता है, ये कौन करता है, वो कौन करता है, बट फिर हमने मैनेज कर लिया, अच्छा दिन है, डांटो मत ये वो करके, फिर उन्होंने सब अच्छे से गाइड किया हमें। और यहाँ पे हमें नारियल फोड़ना था, पापा का वीडियो कॉल आया था, तो मम्मा बता रही थी कि पापा हंस रहे करके क्योंकि पापा बोल रहे थे कि जाओ वहाँ पे जाके पूजा करो, और हम नहीं आने वाले थे, तो जैसे उनको पता चला हम आए तो बहुत खुश थे कि अच्छा हुआ। बचपन में सबका डोरबेल बजा के भागते थे ना, मैंने यहीं पे वही किया, मैंने ना नेबर आंटी का डोरबेल बजा के अंदर आ गई, मम्मा को बोला आप जाके मांगो वो हथौड़ा नारियल फोड़ने के लिए, बट आंटी अच्छी थी, उन्होंने हमें दे दिया जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। फिर मैंने नारियल फोड़ के पूरे घर पर छिड़का अच्छे से पानी, एंड देन फिर हम अंदर आए जैसे कि आप लोग देख सकते हो। फिर हमने सबको प्रसाद दिया, एंड मम्मा और आंटी खड़े होकर कुछ तो बात करते बाहर, आए रहो ना, मेरा ध्यान नहीं था। एंड देन फिर हमने सबको प्रसाद दिया, एंड देन एंड जैसे कि आप लोगों ने देखा मैं वर्चुअली सबको मिठाई खिला रही थी, यहाँ पे भी वीडियो कॉल चल रहा था नानू नानी दादा दादी का, मैं सबको वर्चुअली स्वीट्स खिला रही थी वीडियो कॉल पे, क्योंकि कोई यहाँ पे था नहीं हमारे फैमिली मेम्बर्स। एंड देन फिर मैंने बोला था कि मैं केक ले रही हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैंने मम्मा को बोला मम्मा डू द ऑनर्स, तो मम्मा ने केक कट किया, तो फिर मम्मा को बोला पहले आप खाओ, एंड देन फिर मम्मा ने सबको केक खिलाया, पहले दिया को खिलाया, शी वॉज डांसिंग की उसको पहले खिलाया गया, उसको बोला कैमरा पकड़ बट वो डांस करने में बिजी थी। एंड देन फिर मम्मा ने हमें खिलाया मेरे को और पीयू को, पीयू वीडियो कॉल पकड़ के बैठ रही थी और मैं शूट करने में बिजी थी, तो दिया ने फ़ायदा उठा लिया, उसको पहले केक खिलाया, फिर मम्मा ने आंटी को भी केक खिलाया जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड मम्मा को बोला मम्मा आप खुद खाओ बिकॉज यू आर द एवरीथिंग। एंड फिर मम्मा यहाँ पे बुआ को केक खिला रही थी वर्चुअली, बुआ को मतलब बुआ दादी सब लोग थे वीडियो कॉल पे, तो वो सबको केक खिला रहे थे, तो पता नहीं दिया क्या बोल रही थी। एंड देन मैंने बोला उनके बदले का आप ही खा लो, एंड देन मम्मा ने उनके बदले का खा लिया जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मस्ती मस्ती ये है हमारा हॉल, हम जो प्रॉपर अच्छे से बना लेंगे तब हम आपको दिखाएंगे, ये है हमारा हॉल एंड ये है हमारा किचन। हमने बस आज दशहरा इसलिए हमने पूजा किया था नॉर्मली, और बड़ा पूजा बहुत जल्दी होने वाला है। ये हमारा किचन है, किचन से हमारा व्यू बहुत ब्यूटीफुल है जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड देन ये है हमारा नॉर्मल बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम, ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जैसे कि आप लोग देख सकते हो, शुरू जो कि बहुत अच्छा। ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, इसको क्या ही दिखाना, देख लो फिर भी। ये है हमारा मास्टर बेडरूम, मुझे ना वो बाइक बारी आपको घर देखना है, आज चलो दिखाते हैं। ये है हमारा मास्टर बेडरूम से व्यू प्रॉपर, और ये है मास्टर बेडरूम का वॉशरूम। सो यस गाइस दैट्स इट, ये हम सीक्रेट रिवील करने वाले थे बहुत टाइम से, तो ये हमने न्यू घर लिया है, एंड जो प्रॉपर रिनोवेट होगा अच्छे से तब हम वापस दिखाएंगे, बट फिलहाल के लिए तो यही और ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। मैंने रिनोवेट बोला, नए घर को क्या रिनोवेट करवाएंगे, मैं को ये बोलना था कि हमें इंटीरियर डेकोरेटर से हमें अच्छे से बात करना है, फिर उनके साथ हमें सब डील करना है, एंड देन हमने पूजा वूजा की, एंड देन हम घर
से निकल रहे थे घर जाने के लिए। एक घर से निकल के दूसरे घर जा रहे थे। आई वॉज वेरी टायर्ड, मेरी शक्ल पे दिख रहा होगा आप लोगों को जैसे कि। देन एज यूजल मेरे उदिया की लड़ाई हो रही थी कि उसने बोला मीटर बंद कर देते, मैंने बोला मैंने ऊपर से कर दिया, फिर हम उसी पे बहस करने लगे। आई वॉज लाइक जा वॉचमैन से चाबी ले और वापस इतने दूर आ और फिर जाके बंद कर। शी वॉज लाइक नहीं नहीं नहीं, मैंने जा कर लिया अब तो। फिर एज यूजल हमारी झगड़ा चल रहा था एंड देन फिर मैंने बोला मैंने अंदर से ऊपर से बंद किया है, तो शी वॉज लाइक नहीं, मतलब ठीक है जा खुद कर ले जाके। तो फिर वो हम लोग ने आगे वॉचमैन अंकल को बोला कि आप ही बंद कर देना अगर आप नीचे जाओगे तो। एंड देन हम बाहर वॉक करते करते आए तो देखा तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा सनसेट था, तो फिर हम वही इंजॉय करते वाइल्ड वॉकिंग, मैं और भी हूँ, बाकी से पीछे आ ही रहते। बट सनसेट काफ़ी सुंदर था जैसे कि आप लोग देख सकते। एंड देन हम लोग जब वॉक करके आ रहे थे तो हमने कब्रिस्तान देखा रास्ते पे। एंड देन फिर पता नहीं ये दोनों पीछे क्या शूट करते, यहाँ मैं अकेले चलते चलते और मैं इन लोगों को पूछ रही थी कि क्या कर रहे हो तुम लोग। एंड देन फिर ये लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, लोग मेरा पता नहीं था शूट ले रहे थे। एंड यहाँ मैं टायर्ड चल रही हूँ पागलों की तरह, एंड यहाँ ये लोग मेरा शूट ले रहे थे पीछे से। एंड देन फिर हम लोग वॉक करते करते सनसेट इन्जॉय करते करते काफ़ी आगे चले। एंड देन फिर हम घर के लिए निकल पड़े। सो गाइज दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप यू गाइज इन्जॉयड। एंड मुझे कॉमेंट में बताना आप लोगों को हमारा न्यू घर कैसा लगा। एंड घर जाते वक्त हमारे साथ एक बहुत ही ट्रैजेडी हादसा हुआ, अगर जानना है तो बताना, नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि क्या हुआ था। और मुझे कमेंट में बताओ कि आप लोगों को कैसा लगा हमारा घर, मैंने सीक्रेट रिवील कर दिया तो। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कैसा था।